अब लोडिंग का भी बात हो गया है, अब जा रहे लोडिंग के लिए, लेकिन इस बार लोड हो रहा है मेरा इंडिया से बाहर। अभी हर बार तो इंडिया में चलाए गाड़ी, इंडिया का माल लेके गए, इस बार इंडिया से बाहर। आप लोग कमेंट नहीं पड़े थे, हम आप लोग भी कमेंट नहीं पड़े, जब भी हम पूछे हैं शुभम के विषय में खाना गया कैसा लगा तो खाली बोलता है ठीक है, उन्हें उसके आगे नहीं बोला है। तो आज दो तीन चीज पूछेंगे। गुड मॉर्निंग दोस्तों, हमारे नए ब्लॉग में आप सभी का फिर से स्वागत है। अभी तो गोडाउन में खड़े हैं हम लोग, अभी लोडिंग के बाद जो है 10 बजे होने वाला है, लेकिन लोडिंग हो जाएगा आज मेरा, क्योंकि लोडिंग के बाद कल से ही चल रहा था, कल तो हम लोडिंग फंसे हुए थे इसलिए नहीं हुआ था, तो आज मेरा हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, मौसम थोड़ा सा बादल किया हुआ है, बारिश भी हो जाता है इधर में, तो कुछ गाड़ी में जा रहे हैं, कुछ नाश्ता बनाते हैं। पोहा का सामान लेकर रखे थे लेकिन बनाए नहीं थे, तो अभी समय मिला है तो जा रहे थोड़ा आज पोहा बनाते हैं, उसके बाद निकलेंगे यहाँ से नाश्ता करके। दोस्तों जा रहे आज पोहा बनाने के लिए, बहुत दिन हो गया पोहा बनाया हुआ, तो आज पोहा ही हम लोग का नाश्ता होगा, तो चले पोहा बनाने। ये देखिए मेरा चूड़ा वगैरह सब धो के रेडी है, हम लोग चूड़ा ही बोलते हैं, कुछ लोग पोहा ही बोलते हैं। ये दोस्तों मेरा प्याज मिर्चा और बादाम, चले इसमें पोहा डालने। ये हल्का सा हल्दी, थोड़ा सा नमक, ये हल्का सा दम चीनी भी जाता है इसमें। अब हम इसको अच्छी तरह से मिलाएंगे हल्की आंच में एकदम। किसी किसी का देखते होंगे बहुत ज़्यादा पीला रहता है, तो इसका मतलब है कि हल्दी ज़्यादा डाल दिया है, तो हल्दी के ज़्यादा नहीं हल्का ही यूज़ करिए हैं। दोस्तों मेरा पोहा बन गया और ये रेडी है, पोहा तैयार है। अब इसमें सोने पे सुहागा लगने जा रहा है मिक्सचर, ये देखिए। कोई सेव भुजिया भी डालता है, कोई ये भी डालता है, इसको मिक्सर अच्छा नहीं लगता लेकिन फिर भी हम डालते हैं ज़बरदस्ती। चलो भाई ठीक है ना, डालिए ना माता का। ये देखिए ये मेरा बन गया आज का पोहा। कितना दिन बाद खा रहा पोहा, सही बताओ? 3 महीना। जानता हूँ, मिलता नहीं है पोहा वहाँ, जानता भी नहीं है कोई पोहा, पोहा क्या चीज़ होता है। हम लोग भी पोहा जो है छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र में ही आके जाने हैं, हम तो खलासी पना जान रहे हैं, क्योंकि नागपुर में खलासी पना किए हैं, तो वहाँ पोहा बहुत खाते थे हम तो शुरू से जानते थे, लेकिन बनाना चालू किए हैं अभी। लड़का लोग भी दिखा दिए, देखो ऐसा चीज़ पोहा एक नाश्ता होता है, जो पोहा हम लोग कर सकते हैं नाश्ता। दोस्तों नाश्ता वगैरह तो हो गया, अब लोडिंग का भी बात हो गया है, अब जा रहे लोडिंग के लिए, अब क्या माल है तो पता नहीं है, जाने के बाद ही मालूम चलेगा, लेकिन इस बार लोड हो रहा है मेरा इंडिया से बाहर। अभी हर बार तो इंडिया में चलाए गाड़ी, इंडिया का माल लेके गए, इस बार इंडिया से बाहर, तो बाहर कहाँ, कोई अमेरिका ऑस्ट्रेलिया नहीं, नेपाल, नेपाल का अपना लोड हो रहा है, तो अभी जा रहे नेपाल। ठीक है दोस्तों निकलते हैं अभी लोडिंग के लिए। दोस्तों अभी दोपहर के 1 बज गया है, अभी तक गाड़ी अंदर नहीं गया है, गाड़ी देख रहे हैं बहुत सा खड़ा है यहाँ लोडिंग पर आने के आया, और भी तो बोला तो है कि लोड हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, शाम तक हो जाएगा लोड। तो दोस्तों समय नहीं मिला अभी खाना बनाने के लिए, 1 बज गया है, तो अभी जा रहा है शुभम और रोहित पीछे से होटल में खाना खा लेगा। ठीक है दोस्तों, तो अभी हम और रोहित भैया जा रहे हैं उधर होटल के सामने में, तो यहाँ पर जाके देखते हैं क्या चीज़ मिल रहा, तो खाएंगे हम लोग। और पापा बोले मेरे लिए नहीं लाने के लिए, पापा को नहीं मन कर रहा खाने का। कम लग रहा है, कम ज़्यादा लग रहा है, इसमें कोई साथ कटेंगे तो भैया।
दोस्तों अभी हम लोग खाना वगैरह हो गया, खा लिया, अब हम लोग जा रहे हैं वापस गाड़ी के पास। देखते हैं गाड़ी लोडिंग में कितना टाइम लगाएगा। लोडिंग तो नहीं लगाया है, घुसाने में घुसाएगा तो लोडिंग लगेगा, तो नेपाल का लोडिंग करने के लिए आए हैं। ठीक है दोस्तों चलते हैं अब हम लोग गाड़ी के पास। दोस्तों अभी शाम के 4 बज चुका है और हमारा गाड़ी अभी अंदर नहीं हुआ है, बाहर ही खड़े हैं, पार्टी से बात चल रहा है। और फेड्डी के गेट में भी जाकर पूछ रहे हैं तो बोलता है गाड़ी अभी लोड हो रहा है अंदर में, उसका होने के बाद आपका नंबर आएगा। तो इंतजार ही कर सकते हैं हम लोग, अंदर तो पूरा अंदर तो जाते नहीं ना। कि ऐसे तो बाहर में चाय वाला सब उसे पूछते हैं तो बोलता है डेली का 8-10 गाड़ी यहाँ लोड होता है, लोडिंग में समय लगता नहीं है, कार्टून वाला माल है। अभी हम पता भी किए तो बोला आपका माल कार्टून वाला है, जो एक बार कार्टून लोड किए थे उसी टाइप का मेरा माल है, तो जल्दी ही लोड हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, इंतजार करते हैं अभी कब आएगा बुलाने, लेकिन आज हो जाएगा, ये तो पक्का है कि हो जाएगा। मौसम भी खुला हुआ है, कुछ बारिश का लेके भी दिक्कत हो रहा था। दोस्तों लोडिंग का बुलाहट आ गया है, ये देख कांटा कराने आए थे, कांटा करा लिए, जा रहे लोडिंग लगाने के लिए। किधर बता रहा लोडिंग के लिए, देखते हैं। ये दोस्तों देखिए, वही माल लोड होगा जो अगला चक्कर लेके गए थे, लेकिन ये नेपाल का लोड हो रहा है, वही नेपाल का लोड करने के लिए आया है। कार्टून वाला माल है, देख सकते हैं आप लोग। तो तिरपाल अपना बिछा हुआ है, कोई टेंशन नहीं है, अब लोड होगा, यहाँ से निकलना है। दोस्तों अभी 5:30 बज गया शाम का और गाड़ी अपना लोड हो गया है, अब जा रहे हैं कांटा कराने। इंतजार करते हैं कि कागज़ कब तक मिलेगा। अच्छा जल्दी मिल जाएगा, ऐसे तो कार्टून वाला चीज़ है, गिनती का चीज़ रहता है, तो चले अभी कांटा कराते हैं। दोस्तों अभी आए हैं चाय पीने के लिए, भजिया खाएंगे, अभी नाश्ता करेंगे, उसके बाद चाय पी कर फिर निकलेंगे। ये देखो मतलब भाजिया, ये देखिए हम लोग का भजिया, नाश्ता तो हो गया, खाना बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब चाय पीते हैं। अब ये मेरा गाड़ी में गैस का कमी हो गया है, तो यहाँ पता चल रहा गैस भी मिलता तो लेते हैं, गैस भराते हैं गैस जा करके। देखिए दोस्तों, रात का 7 बज रहे हैं, तो अभी रोटी बनाया जा रहा है, तो रोटी बनाएंगे, फिर यहाँ लाए हैं कोकड़ेल, इसको बोलते हैं देसी कोकड़ेल, तो आज वही बनल जाएगा। दोस्तों अभी हम गए थे बाजार, सामने बाजार है, थोड़ा सा रोड साइड में लगा हुआ है, तो आज मिला है हम लोग को देसी चिकन मिला है, तो वही लेके आए हैं, तो आज यही बनाया जाएगा। जब तक गाड़ी मतलब कागज़ नहीं मिला अभी तक, जब तक इंतजार कर रहे हैं, तो आटा सन रहा है, इधर रोटी भी बन जाएगा और अपना भी इधर काम हो जाएगा, मतलब यही सब समय में अपना काम निकल जाता है। अभी कागज़ मिल जाता तो हम निकल जाते, लेकिन अभी मिला नहीं है, तो थोड़ा टाइम लगेगा अभी। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग तब तक खाना पीना इंतजाम करते हैं, यहाँ पे बनाते हैं। दोस्तों रोटी तो अपना बन गया, रोहित बना लिया रोटी, अब हम चले सब्जी बनाने के लिए। तो आज लाए थे, ये देखिए देसी है, जिसको बोलते हैं कोकरेल, वही लेके आए हैं, तो बनाते हैं इसको अभी रात में। दिन में खाना वाना बना नहीं था, टाइम भी नहीं मिला वैसा, लोडिंग के चक्कर में रह गए हम लोग। प्याज मेरा लगभग भून जा चुका है, अब साथ में भूनेंगे इसको। जगह छोटा होने कारण लगता है कि कहीं गिर ना जाए, इसलिए धीरे धीरे अभी करते हैं। दोस्तों अभी तक हम लोग खाना बना रहे हैं और अभी तक पेपर नहीं आया है, इंतजार कर रहे कि पेपर अगर जल्दी मिल जाता, सेठ से हिसाब उसाब भी करना था, लेट हो जाएगा उसमें तो हिसाब भी नहीं हो पाएगा, और हिसाब नहीं हो पाएगा सेठ चला जाएगा तो फिर रुकना पड़ जाएगा हमको, रुक करके हिसाब करा के ही जाना है,
शेठ से मुलाकात ही नहीं हुआ है। उधर से विशाखापटना से आए तो शेठ से मुलाकात नहीं हुआ, सब फोन में ही बातचीत हो रहा है। तो अगर लेट हुआ तो दोस्तों फिर रुकना पड़ जाएगा। तो देखते हैं दोस्तों अब क्या होता है। दोस्तों ये मेरा चिकन जो है पूरा अच्छी तरह से तेल में भी लाल हो चुका है, देख सकते हैं कलर ही चेंज हो गया। अब चले मसाला इसमें डालने, मेरा सारा मिक्स मसाला इसमें है। दोस्तों अब थोड़ा टमाटर भी डाल देते हैं, टमाटर तो खैर डालते ही हर चीज़ में। दोस्तों मेरा चिकन बनके रेडी है, पूरा कंप्लीट हो गया, तरी वगैरह सब हो गया। अब इसमें चले ये धनिया पत्ता डालने के लिए, धनिया पत्ता डाल दिए, कलर भी बहुत अच्छा आ गया तरी का। अभी थोड़ा देर ढक देते हैं। दोस्तों रात के 10 बज चुका है और हमारा अभी तक कागज नहीं मिला, हम लोग का खाना ही बन चुका है। पर ट्रांसपोर्ट वाला ऊपर है, कंपनी का कागज बन चुका है, ट्रांसपोर्ट वाला आगे बिल्टी बनाएगा अपना तो वही छोड़ेगा। तो देख सकते हैं दोस्तों मेरा खाना निकल चुका है, ये चिकन है, आज लेग पीस मतलब चार चार दिख रहा है, इसके पीछे कारण है छोटा वाला ही लिए थे हम लोग, दो दो पीस, दो 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 कॉकरेल जो ज़्यादा बड़ा मिलता नहीं है, छोटा ही मिलता है। ये देखिए दोस्तों अब सुबह में चला खाना खाने, ये रोहित, और ये आप लोग कमेंट भी पढ़े थे हम, तो आप लोग भी कमेंट में पढ़े थे जब भी हम पूछे हैं शुभम के विषय में खाना का कैसा लगा तो खाली बोलता है ठीक है, मतलब उसके आगे नहीं बोला है ये। तो आज दो तीन चीज़ पूछेंगे, तुम्हारा कंप्लेन आ गया है, खाली ठीक है बोलता है। चलो बताओ, टेस्ट अच्छा लग रहा है, टेस्ट अच्छा लग रहा है ना, तीखा ज़्यादा नहीं है, तीखा नहीं ना ज़्यादा, मसाला वगैरह सब ठीक है। कौन सा पीस लिया है तुम? पता नहीं, लेग पीस लेग पीस वगैरह सब, हाँ लेग पीस मिला है इसको, दो दो पीस। और ये तुमको बता, तुमको तीखा लग रहा है का? तीखा में कहाँ पर है, तो खुद ही तीखा है। अच्छा अच्छा, तीखा खाना भी नहीं चाहिए आदमी को। तो ठीक दोस्तों अभी खाना वाना खाते हैं, देखते हैं क्या होता है। कागज अभी तक ट्रांसपोर्टर बिल्टी नहीं दिया, और बिल्टी देता है अभी कि नहीं देता है क्या करता है। चलिए अब खाना खाया जाए। दोस्तों रात के 11 बज चुका है, ये मिला है फैक्ट्री का कागज मिल गया है, अब इसमें बिल्टी नहीं लगा है, इसमें बिल्टी अभी लगना बाकी है। तो ट्रांसपोर्ट वाला से बात हो रहा है, तो ट्रांसपोर्ट वाला अभी रात में बोला बिल्टी मतलब दूर से आएगा ट्रांसपोर्ट वाला, तो बोला कि उतना रात काफ़ी रात हो गया तो अभी आ नहीं पा रहा मेरे पास में, तो हमको रुकना पड़ेगा बिल्टी के लिए। तो ठीक है दोस्तों अब जा रहे हैं यहाँ से गोडाउन पे, अपना जो गोडाउन है वहीं पे गाड़ी लगाते हैं। अब सुबह बिल्टी उल्टी बनेगा, और तब सुबह बिल्टी बना कर तब निकलेंगे यहाँ से। तो ठीक है दोस्तों अब चलते हैं गोडाउन पे, गाड़ी वहीं लगाते हैं। दोस्तों अभी हम गोडाउन में अपना आ चुके हैं और रात के 11 बज चुका है। दोस्तों यहीं पे सोएंगे, ट्रांसपोर्ट का बिल्टी भी कल सुबह मिलेगा। तो ठीक है दोस्तों अभी हम यहीं पे सो रहे हैं, और तो इस ब्लॉग को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक लिए बाय और जय हिंद दोस्तों।